अंधेरे की अब हमें बिल्कुल भी आदत नहीं रही ना, अंधेरा हमें अच्छा नहीं लगता। असल में अंधेरे को लेकर हमारे मन में कई तरह के भय होते हैं। इतना ही नहीं, अंधेरे को हमेशा अज्ञानता के साथ जोड़ा गया है। लेकिन अब दुनिया में अंधेरा गायब हो रहा है, दुर्लभ हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अंधेरा हमारी पृथ्वी के लिए क्यों ज़रूरी है और ज़रूरत से ज़्यादा प्रकाश कैसे खतरनाक साबित हो रहा है। 19वीं सदी में जब पहली बार बिजली का बल्ब जला तो ये एक क्रांति थी। रात अचानक दिन में तब्दील हो गई। बिजली की रोशनी के चलते हम दिन और रात की परवाह किए बिना यात्राएं कर सकते हैं और काम कर सकते हैं, जब चाहे पार्टी कर सकते हैं। बल्ब बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि उनका आविष्कार इस कदर दुनिया पर छा जाएगा। अब तो बहुत सी जगहों पर बिजली की रोशनी के चलते प्राकृतिक अंधेरा गायब ही हो गया है। आज दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी को घने अंधेरे वाला आकाश नहीं दिखाई देता। मसलन सिंगापुर में इतनी रोशनी रहती है कि लोग अंधेरे को देखना ही भूल गए हैं। लेकिन अब वैज्ञानिक रात में कृत्रिम प्रकाश यानी आर्टिफिशियल लाइट के खतरों के प्रति आगाह कर रहे हैं। वे अब रात के समय कृत्रिम रोशनी को एक तरह से प्रदूषण का नाम दे रहे हैं। बीती सदी में औद्योगिकीकरण की वजह से कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, खासकर एशियाई देशों में। इस नक्शे में देखा जा सकता है कि भारत में 2012 से 2016 के बीच कृत्रिम प्रकाश देने वाली कितनी ज्यादा लाइटें लगाई गई हैं। जरूरत से ज्यादा जगमग यानी प्रकाश प्रदूषण, जिसे अंग्रेजी में लाइट पॉल्यूशन कहते हैं, इसका हम पर और हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है, ये आपको वीडियो में आगे हम जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बात 1994 की है। 17 जनवरी को अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में एक भूकंप आया। वही लॉस एंजलिस जहाँ से हॉलीवुड चलता है और जो अपने कसिनो और चकाचौंध के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। भूकंप 6.6 तीव्रता का था। रात का समय था, अफरा तफरी मच गई, लोग बदहवास थे। कई लोगों ने पुलिस को फोन किया कि हिलती हुई धरती को लेकर तो वो लोग डर ही रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा डर उन्हें आसमान को देखकर लग रहा है। आसमान में कुछ जगमगा रहा है, टिमटिमा रहा है। दरअसल ये लोग तारों से भरे आकाश को देखकर डर गए थे। बिजली चले जाने से इतना घुप अंधेरा हो गया था कि उन्हें आकाश गंगा बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। लॉस एंजलिस के बहुत सारे लोगों ने पहली बार ये नजारा देखा था। तो समझे आप अंधेरे की कितनी अहमियत है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि कृत्रिम रोशनी से न सिर्फ आंखों में तकलीफ होती है, बल्कि इससे नींद न आना, मोटापा और कई बार डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी पैदा होने लगती हैं। कुछ रिसर्च ये भी कहती हैं कि रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं में आर्टिफिशियल लाइट के लगातार संपर्क में रहने से स्तन कैंसर का खतरा बढ़ता है। कृत्रिम रोशनी से हमारे शरीर की लय प्रभावित होती है और इससे ब्लड प्रेशर और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। कोरल, पक्षियों और बहुत सारे वन्य जीवों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब रात में अंधेरे की बजाय रोशनी होती है। अंडों से निकले कछुओं के बच्चों को समंदर में जाना होता है। कृत्रिम रोशनी की वजह से वो रास्ता भटक सकते हैं, इससे उनकी जान भी जा सकती है। रात में आर्टिफिशियल लाइट से कीड़ों की आबादी में बड़ी गिरावट आ रही है। एक अध्ययन बताता है कि अकेले जर्मनी में गर्मियों के मौसम में 100 अरब कीड़े मारे जाते हैं। कीड़े नहीं होंगे तो परागण नहीं होगा, जिस पर दुनिया के खाद्य उत्पादन का 1/3 हिस्सा निर्भर है। पेड़ों पर भी कृत्रिम रोशनी का बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। मुंबई में रहने वाले नीलेश देसाई प्रकाश प्रदूषण के खिलाफ सबसे मुखर आवाजों में से एक हैं। वो अपने परिवार के साथ 7वीं मंजिल पर रहते हैं, लेकिन उनके घर के पास एक स्टेडियम है जिसकी फ्लड लाइटें रात 12 बजे तक जलती थीं और सुबह 3 बजे फिर जगमग हो जाती थी।
उनका तो समझो सोना ही मुहाल हो गया, ना पर्दों से काम चला और ना ही स्लीपिंग मास्क से। उन्होंने शिकायत की लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उन्हें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसके बाद जाकर स्टेडियम को आदेश दिया गया कि रात में फ्लड लाइटें बंद कर दी जाएं। अब नीलेश लोगों को प्रकाश प्रदूषण के प्रति जागरूक करते हैं। लेकिन हम और आप क्या कर सकते हैं प्रकाश प्रदूषण से निपटने के लिए, चलिए जान लेते हैं। बत्ती सिर्फ तभी जलाइए जब जरूरत हो, काम हो जाए तो बंद कर दीजिए। लैंप शेड इस्तेमाल करिए ताकि प्रकाश इधर उधर ना जाए। हल्की लाइटें जलाइए, वो बेहतर रहेंगी। जितनी कम रोशनी होगी उतना अच्छा। डिम लाइट की आदत डालिए। पूरा शहर या फिर पूरा देश इन बातों पर अमल कर सकता है, जैसे कि फ्रांस में स्काई बीम को बैन कर दिया गया है। इकोलॉजी के हिसाब से संवेदनशील इलाकों का खास ध्यान रखा जा रहा है कि वहां रोशनी ज्यादा ना हो। कई जगहों पर समय तय कर दिया गया है जब सार्वजनिक स्थलों पर लाइटों को डिम किया जाता है या फिर बंद ही कर दिया जाता है। उम्मीद है कि अब तक आप अंधेरे की अहमियत को भी समझ गए होंगे। ये बात सही है कि अंधेरे में देखने के लिए इंसानों को रोशनी की जरूरत होती है, लेकिन रोशनी उतनी ही रखिए जितनी जरूरी हो। इस बात को खुद भी समझिए और दूसरे लोगों को भी समझाइए। प्रदूषण कोई भी अच्छा नहीं होता, न वायु प्रदूषण, न जल प्रदूषण और न ही प्रकाश प्रदूषण। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बहुत इंतज़ार रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।